हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 10.2 का है। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए मैं फिगर बनाती हूँ आपके सामने, इसकी हेल्प से मैं सर्कल बनाती हूँ। ये रहा हमारा वृत्त, सपोज ये सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन ओ, केंद्र बिंदु। क्या है क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, चलिए वृत्त हो गया, कि किसी व्यास के सिरों पर, हम व्यास तो ये भी हो सकता है, ये भी व्यास का मतलब कि एक परिधि पर से दूसरी परिधि तक जाती है, तो वो केंद्र से होकर जाती है, वो होता है व्यास, जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो मैं एक व्यास ड्रॉ करती हूँ, आप स्किल से अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। चलिए ये रहा व्यास, व्यास के सिरों पर खींची गई, सिर इसका यही है ना, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। चलिए इसके सिर पर हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, आप स्किल से ड्रॉ कर लीजिएगा। सिर इसका और एक सिर इसका यहाँ है इस व्यास का, एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा मेरा इधर भाग रहा है। हाँ चलिए, तो सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। समांतर मतलब ये दोनों आपस में कभी नहीं कटेंगे, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा, कभी इन मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी सेम ही होगी, तो ये ही हमको प्रूफ करना है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, ये ओ केंद्र हो गया, ए और बी नाम दे देते हैं, पी और क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, आर और एस स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु ए बी है, और ए बी हमारा व्यास भी है। क्लियर, तो अब हम लिखते हैं जो सीधी करना है वो, और जो दिया गया है वो देखिए। आपको पता है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु तक खींचा गया जो लाइन है वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, ये आपके प्रमेय में भी है, इस साइड भी 90 डिग्री बनेगा, इस साइड में भी 90 डिग्री बनेगा, बनेगा ना, जो गिवन है उसे हमने लिखा है। ओ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PQ और RS है, PQ और RS है, ये स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श बिंदु भी है। स्पर्श बिंदु क्या है, A और बिंदु B, बिंदु PQ का स्पर्श बिंदु A और RS का स्पर्श बिंदु B है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, PQ पैरेलल RS, PQ RS मतलब ये दोनों पैरेलल है। अब प्रमाण COR मतलब C इट मीन सर्कल, O ओरिजिन, R रेडियस मतलब ये वृत्त के केंद्र और R त्रिज्या में, ठीक है, इसमें COR मतलब कहीं आप यहाँ पे मत ढूंढने लगेगा, COR मतलब सर्कल, ओरिजिन और रेडियस, क्लियर। अब उसके बाद प्रमाण क्या है, आपको पता है कि OA OA लंब है किस पे, PQ पे, और OB लंब किस पे है, RS पे, तो ये लंब है, तो यहाँ पे जब लंब होता है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, तो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इसका भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, OB
आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको पता है कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनाती है, वो तो पता है 90 डिग्री इसके कारण बन गया। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो एक ही ओर अंतः आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो अंतः आसन्न कोण एक ही ओर क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो संपूरक होते हैं जिसके कारण ये दोनों आपस में पैरेलल ही हो गया। कंफ्यूजन दूर, क्लियर। अब मैं इसको बस लिखना है, वो लिख देते हैं। चूंकि OA लंब PQ, ठीक है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये पता हो गया 90 डिग्री कोण बनाती है। तो कोण ओ ए पी इज इक्वल टू, इसलिए एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन वन माने। उसी तरह इस साइड भी, अतः ओ बी लंब आर एस, तो इसी के कारण यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। ओ बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब समीकरण वन और समीकरण दो को जोड़ने पर समीकरण वन प्लस टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल को मिलाने से 180 डिग्री बन गया। तो हमें पता है चूंकि एक ही ओर अंतर आसन्य कोण संपूरक मतलब 180 है, ठीक है, संपूरक है, इसलिए क्या था, पी क्यूब पैरेलल टू आर एस। तो दोनों कोण 180 डिग्री बन गया, अंतःआसन्न कोण संपूरक हो गया, तो ये प्रूफ हो गया, क्लियर। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।